ये है बिहार के सुदूर देहात में फैला एक पिछड़ा इलाका और हर पिछड़े इलाके की तरह यहाँ की समस्याएं भी कम नहीं। कठिन इलाका, कच्ची पक्की सड़कें, बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी, पानी और बिजली जैसी कई समस्याओं से लोगों को हर पल जूझना पड़ता है। यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों के पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। ले देकर खेती है और वो भी हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाती है और लोग बेचारे बेहाल हो जाते हैं। रहने को इनके पास फूस की छत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। गर्मी हो या बरसात, ऐसे ही इनके दिन गुजरते हैं। इलाके में ऐसा कोई कल कारखाना भी नहीं है जिसके बदौलत ये अपना जीवन यापन कर सके। गुजर बसर के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, तब कहीं जाकर दो वक्त की रोटी नसीब हो पाती। अपना भविष्य तो इनका अंधकारमय था ही, बच्चों का भविष्य भी कुछ ऐसा ही जान पड़ता था। चाहकर भी ये बच्चों की देखभाल अच्छी तरह नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण था निरक्षरता, जिसकी वजह से इनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता था। ऐसे में जब इलाके में साक्षरता अभियान का बिगुल बजा तो गांव का एक युवक नारायण सामने आया और लोगों को पढ़ाने का जिम्मा उसने अपने सर ले लिया। पढ़े लिखे और जागरूक नारायण के मन में शुरू से ही कुछ करने की ललक थी, सो उसने रास्ता भी अपना दूसरों से अलग चुना। अक्सर लोग बड़े बूढ़ों को पढ़ाने से कतराते हैं, पर नारायण को यही अच्छा लगता है। तो खलियान आप देखे हैं? आज ही खलियान कैसा होता है? खलियान के खलिहान अपना नारायण कुछ अच्छा करने की नियत से साक्षरता अभियान से तो जुड़ गया, लेकिन इससे उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह निरक्षरों को केंद्र पर लाए कैसे। कभी कभार वह कुछ निरक्षरों को समझा कर बुझा कर केंद्र पर लाता भी है तो वो जल्द ही भाग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल नारायण जैसे स्वयंसेवक के सामने आई, बल्कि हर स्वयंसेवक को शुरुआती दिनों में ऐसी ही दिक्कतों से जूझना पड़ता है। नारायण को ही देखिए, अपने निरक्षर भाई और बहनों को बुलाने के लिए साक्षरता का दूत बनकर नारायण घर घर गया। न दिन देखी न रात, न सर्दी न बरसात, बस हाथ धोकर अपने काम में जुटा रहा। कुछ लोगों ने तो उसकी बात को समझा, लेकिन कई बार उसे झिड़की भी सुनने को मिली। इतनी कोशिश के बावजूद जब नारायण को पूरी सफलता नहीं मिली तो उसे थोड़ी हताशा सी होने लगी। वो सोच में डूब गया कि आखिर वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे निरक्षर भाई केंद्र पर आए और पढ़ाई जारी रखें। क्या बात है नारायण, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं, समझ में नहीं आता। कुछ लोग भूले भटके केंद्र पर आते भी हैं तो फिर टिक नहीं पाते। अरे भैया, इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो काम नहीं बनने वाला। तुमने जो काम शुरू किया है वह है तो बहुत ही अच्छा काम, लेकिन इतनी जल्दी हार मानने से काम बनने वाला है क्या? तो क्या करूं? तुम गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाओ, उनकी राय सुनो, उनकी समझदारी बनाओ। और हाँ,
निरक्षर भाइयों को के काम में साथ दो, उनके दुख दर्द में हाथ बटाओ, तभी तो वो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारी बातों को मानेंगे। और हाँ देखो, ये सारा काम करो बहुत संभल के, काफी प्यार से। लगता है नारायण के दिमाग में ये बात आ गई कि निरक्षर भाइयों को पढ़ने लिखने के लिए कैसे तैयार किया जाए। तभी तो खेत में काम कर अपना गुजारा करने वाले गांव के ही यदुनंदन चाचा, जो पहले नारायण को देखते ही बिदक जाते थे, अब साक्षरता केंद्र में आने को राजी हो गए। अच्छा, इसमें खेती बाड़ी का है, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, देखिए कल से आइएगा निश्चित रूप से। ठीक है, ठीक है, तो नमस्ते। और जो लोग पहले नारायण की खिल्ली उड़ाते थे, अब वे लोग नारायण के पास बड़े चाव से पढ़ने जा रहे हैं। तो ये केंद्र पर तो आ गए, पर इन्हें केंद्र पर लाना आसान काम नहीं था। इनका जीवन परेशानियों से घिरा था। किसी के घर में रुपयों की परेशानी थी, तो किसी के घर में बीमारी की, किसी के यहाँ बच्चों की। हर घर में कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जिसकी वजह से ये चैन की सांस नहीं ले पाते। तो इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि अपनी परेशानियों का हल ढूंढें या साक्षरता केंद्र में जाएं। यही चुनौती थी नारायण के सामने, पर उसने हिम्मत और धीरज रखा, प्यार से लोगों को समझाया, कामयाबी हाथ लगी। निरक्षर भाइयों बहनों के साक्षरता केंद्र में लाने से नारायण का काम खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो शुरुआत भर है। अब देखना है कि ये इन्हें केंद्र में बनाए कैसे रखते हैं। इन लोगों को केंद्र में कैसे बनाए रखें, ये अब नारायण जैसे स्वयं सेवक के सामने दूसरी चुनौती है। अब इस इलाके की ही बात लीजिए, यहाँ तकरीबन हर साल बाढ़ की जबरदस्त मार पड़ती है। कई बार तो अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर यहाँ के लोगों को बांध किनारे रहना पड़ता है। फूस की इन झोपड़ियों में न तो खाने का ठौर होता है और न ही माल मवेशियों का ठिकाना। इलाका भी इतना पिछड़ा है कि न तो कोई उद्योग धंधा है और न ही ढंग की खेती बाड़ी। वाकई में यहाँ तो लोग भगवान के भरोसे ही गुजर बसर करते हैं। नारायण जो ऐसे इलाके का स्वयं सेवक है, तो उसका काम न सिर्फ पढ़ाने का है, बल्कि इन परेशानियों को समझते हुए अपने निरक्षर भाइयों को प्रोत्साहित करना भी है। बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों के मैंने हार नहीं माना और लोगों को समझाता रहा कि भाइयों पढ़ लिख जाओगे तो खुद ब खुद सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और इसने यही बात पढ़ाते वक्त अपने नव साक्षरों को बताई कि कैसे साक्षरता रूपी हथियार से गरीबी को भगाना है, कैसे वे पढ़ लिख जाएंगे तो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। गुणी राम की बात सोले आने सच साबित हो रही है। लोग केंद्र पर तो बेशक आ गए, लेकिन नारायण के सामने सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि लोगों का आना जारी कैसे रहे, इसके लिए क्या किया जाए। खाली अक्षरों की बात तो कभी कभी नीरस सी लगने लगती है, तो साक्षरता अभियान और साक्षरता केंद्र में लोगों की रुचि कैसे बनाए रखें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाजार। नारायण, तुम जो यह कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सोलह आने सही काम कर रहे हो, लेकिन जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो तो भैया नहले पे दाला हो जाए जी। हर रोज इन्हें केंद्र में लाने से पहले और बाद में अपने गांव की समस्याओं पर इनके साथ मिल बैठकर विचार करो जी। और उसे सुलझाने की कोशिश करो। मसलन तुम्हारे गांव की सड़क जी, अस्पताल, बिजली पानी और इन महिलाओं के लिए डोआकरा स्कीम जी। ठीक, हाँ। जो, जो, लो, लो, जल, जल।
इसीलिए नारायण ने गांव वालों की एक अहम जरूरत को ध्यान में रखकर सफाई अभियान शुरू किया। गांव साफ रहेगा तो गांव वासियों का जीवन स्तर तो ऊंचा उठ सकेगा ही, साथ में नारायण जब उन्हीं के बीच रहकर उन्हीं की समस्याएं समझ रहा है तो उसे विश्वास था कि वो भी लोगों को अपनी बात समझा पाएगा। इसी तरह साथ में काम करने वालों के मन में स्वयं सेवक बनने का ख्याल आया और एक दिन सफाई अभियान के दौरान गांव के एक युवक विष्णु ने निश्चय कर लिया कि वो भी साक्षरता अभियान से जुड़ेगा। नारायण भैया, मैं भी स्वयं सेवक बनना चाहता हूं और अपने गांव के अनपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद क्या कार्यक्रम होगा इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। हाँ, आपका सोच तो ठीक है, अच्छा है कि आप स्वयं सेवक बन करके अपने टोले पड़ोसे को साक्षर बनाइएगा, निरक्षर लोगों को। तो अभी प्रखंड से प्रखंड संयोजक जी आएंगे तो आपका वहाँ ट्रेनिंग होगा, VT ट्रेनिंग, उसमें आप जाइएगा। नारायण को समाज में मिलती प्रतिष्ठा को देखकर साक्षरता अभियान में योगदान करने तो कई लोग आगे आए, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि इस काम में प्रतिष्ठा तो है पर पैसा नहीं मिलता। तो क्या वे बिना किसी अर्थ लाभ के इस काम को कर पाएंगे? क्या वे समाज की भलाई और केवल आत्मसंतुष्टि की खातिर सारी मेहनत करने को तैयार है जो नारायण कर रहा है? पैसा की जरूरत नहीं, हर तरह जाते हैं, हर आदमी से मिलते हैं जुलते हैं, जिस तरह आप आए उस तरह मिल गए, टोली बना लिए, बैठा करते हैं, कमिटी बनाते हैं, हर आदमी के पास जाने का मौका मिल रहा है, हर आदमी के से बात करने के लिए मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़कर क्या पैसा ही है हम लोग को। ऐसी ही एक स्वयं सेविका है हरिजन टोली की निर्मला। इस महिला को अगर किसी बात की चिंता थी तो वो थी अपने गांव की बदहाली को लेकर, और सिर्फ आर्थिक बदहाली ही नहीं बल्कि सामाजिक उपेक्षा के भाव भी उसे हमेशा कुरेदते रहते थे। इतना ही नहीं, इसके टोला के अनपढ़ लोग भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते थे। निर्मला इन्हें समझाती है कि बच्चे को जादू टोने से ठीक करने की बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, समय समय पर टीका वगैरह दिया जाए। डॉक्टर के पास ले जाके एकरा पोलियो के सुइया दे लियो। ऐसे में निर्मला की मुलाकात जब इन आखर दूतों से हुई तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अक्षर का ज्ञान ही लोगों को अंधविश्वास के मकर जाल से निकाल सकता है, और इसीलिए निर्मला अपने गांव के लोगों तक अक्षर ज्योति पहुंचाने की खातिर स्वयं सेविका बन गई। वो लोगों के पास, खासकर महिलाओं के पास गई, उन्हें साक्षरता से जुड़े फायदे समझाए, तब जाकर वे क्लास में आकर पढ़ने लगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हरिजन टोले की निर्मला अपने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए साक्षरता अभियान से तो जुड़ गई, लेकिन वह लोगों को बदहाली से कैसे उबारेगी, कैसे उन्हें तमाम तरह के अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाएगी, इसके लिए जरूरत है उसे ठीक ठाक प्रशिक्षण की। यही वजह है कि निर्मला आज साक्षरता अभियान के प्रशिक्षण शिविर में आ गई है। यहाँ उसे बताया जा रहा है कि एक अच्छा स्वयंसेवक वही है जो निरक्षरों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ देश और दुनिया की जानकारी भी देता है और जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक सोच पैदा करने में उसकी मदद भी करता है। वह लोगों को क ख ग के माध्यम से अपने हक को जानना सिखाता है, उसे पाने के लिए संघर्ष करना सिखाता है। वह निरक्षरों को ये भी बताता है कि पढ़ा लिखा और जागरूक समाज ही विकास की पहली सीढ़ी है। पढ़ने का तरीका बताएंगे, पढ़ने का तरीका बताना है। जैसे मान लीजिए ये प्रथम प्राइमर है, तो पढ़ने का पहला तरीका है जो सबसे प्रथम हम लोग चित्र पर बात करेंगे। घर घर जाकर लोगों को समझाई कि पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ने से सारी समस्या तेरी छूमंतर हो जाएगी, चाहे बात गरीबी की हो चाहे जादू टोना की। एक तरह से निर्मला का ये कहना वाजिब भी है, क्योंकि गांव के निरक्षर लोग अंधविश्वास में इतनी बुरी तरह जकड़े हैं कि वे कुछ भी होने पर ओझा भगत की शरण में चले जाते हैं और ओझा भगत जो कहता है वही करते हैं।
इसी का नतीजा है कि इन सीधे लोगों की समस्या को हल करने की आड़ में ओझा भगत सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पर भोले भाले ही सही, पर अच्छी तरीके से जब गांव वालों को समझाया गया कि अंधविश्वास में जीना उनके फायदे में नहीं, तो गांव वाले समझ गए। अब धीरे धीरे उन्हें अक्षरों के माध्यम से विकास का मतलब समझाया जा रहा है। आज ज्ञान विज्ञान का युग है, ज्ञान के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम लोग क्या करती हो, छोटी छोटी बातों को लेकर ओझा गुनी के पास जाती हो, ठगी जाती हो। मेरी कहना मानो तो अक्षर ज्ञान पाओ और नई दुनिया को जानो। बच्चों बीमार रहते हैं, बच्चों बीमार रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का पालन पालन पोषण पालन पोषण। इसी तरह चंद्रदेव भी एक स्वयं सेवक है और इस स्वयं सेवक ने पिछले इलाके के निरक्षरों को साक्षरता केंद्र पर लाने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। वो भी गांव वालों के घर घर गया। जाकर सीधे साक्षरता की बात तो नहीं कर सकता था, सो उसने बातचीत का सिलसिला छेड़ा स्वास्थ्य संबंधी बातें या बच्चों की शिक्षा संबंधी बातें करके। जैसे यहाँ साफ बर्तन में सब्जी पकाने की बात समझा रहा है इसे। बर्तन साफ नहीं रहेगा तो उनमें गंदगी रहने के चलते भी कीड़ी का आगमन होगा, जिससे हमारे भोजन में जाएगा और हमारे यहाँ भी डायरिया का प्रकोप होगा। इसलिए सभी महिलाओं को सफाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चूँकि हमारे इलाके में गंदगी और जानकारी के अभाव के कारण हैजा कालाजार जैसी महामारियों का हमला हुआ, कुछ की जाने भी गई। इसी कारण मैं अपने साथियों के साथ गाँव वाले की मदद में जुट गया, तब कहीं बाद में जाकर ये लोग हमारे अभियान में जुड़े। अब तो दिखाना आपने कि किस तरह अलग अलग रास्तों से चलकर नारायण, निर्मला और चंद्रदेव एक ही मकसद की ओर चल पड़े हैं। उनके रास्ते बेशक अलग अलग हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि निरक्षरों को कैसे साक्षरता अभियान से जोड़ा जाए। मगर साक्षरता का सफर कई ऐसे कठिन रास्तों से गुजरता है जहाँ स्वयं सेवकों की कुशलता कसौटी पर होती है और जो इन मुश्किलों को हल कर लेता है वही सफल स्वयं सेवक होता है। ध्यान साफ कर रहे हैं, गेहूं ओसा रहे हैं या धान को ओसा रहे हैं, इस ढंग से हुआ खुद कर देंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। तब होगा, उनको मन में उत्सुकता आ जाएगा, हम लोग भी कुछ जानते हैं। वैसे एक सफल स्वयं सेवक बनने के लिए जरूरी है कि उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो और साथ में बुलंद हौसलों के साथ साक्षरता की मंजिल तक पहुंचने की अदम्य लालसा हो। और ये सारी चीजें फितरत खातून के व्यक्तित्व में साफ झलकती हैं। शुरू शुरू में जब पढ़ी लिखी फितरत अपने समुदाय की महिलाओं के बीच फैले अंधविश्वास और झिझक को दूर करने पहुंची, तो लोग उसे हिकारत की नजरों से देखने लगे। कोई उससे सीधे मुंह तक बात करने को तैयार नहीं था, तरह तरह के ताने कसे गए। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ तो शुरू से ही महिलाओं को पढ़ाने का रिवाज नहीं है और पढ़कर ये करेंगी भी क्या, सारी जिंदगी तो इन्हें चार दीवारी के अंदर वो भी बुरके में गुजारनी है, तो भला पढ़ाई लिखाई का क्या काम। लोगों का कहना है कि लड़कियाँ पर्दे में रहने की चीज है, बहू बेटियाँ पर्दे में रहने की चीज है, और वो पर्दे में रहे, वो बाहर जाकर के भाषण क्यों देंगी, वो मर्दों के बीच क्यों बैठेंगी, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए लोग मुझे हकारत की नजर से देखते हैं। लेकिन फितरत की जाबाजी देखिए, वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटी और बजाय पर्दे में दुबक कर बैठने के, उसने कला जत्थे को अपने गांव में घुमा घुमा कर पढ़ने लिखने का माहौल बनाया। फिर भी दिक्कत आई, वो ये कि पुराने ख्यालातों और जागरूकता की कमी के कारण लोग घर की महिलाओं और लड़कियों को साक्षरता केंद्र में भेजने को तैयार नहीं थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, आखिर इन औरतों को कैसे समझाऊं कि पढ़ाई का महत्व क्या है। बिल्कुल सही कह रही हो,
पता नहीं यह साक्षरता अभियान कैसे सफल होगा, मगर मुझे पूरा यकीन है मेरा ये अभियान सफल हो के रहेगा। क्या बात है फितरत, माहौल बुझा बुझा सा है। क्या बताऊं, लोग कहते हैं लड़कियों को पढ़ाना मजहब के खिलाफ है। यह समस्या तो बेशक है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं। खुद हजरत मोहम्मद ने कहा है कि कब्र तक जाते जाते इल्म तलब करो जी। उन्होंने यह भी कहा है कि हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे। तुम मजहब की इन्हीं बातों को लोगों के बीच संजीदगी से रखो तो सही। कि हमारी कौम अभी बहुत पिछड़ी हुई है, उसको जब तक हम लोग आगे नहीं लाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग जब बाहर नहीं निकलेंगे तो। अच्छा, इस्लाम का यहाँ तक हमारे इस्लाम में है कि इल्म सीखो चीन में, अगर इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना हो तो जाओ, वहाँ पर ये नहीं है कि औरतें नहीं जाए, औरतें घर में बैठी रहें, ये नहीं है। फितरत ने गोणी राम की बात मानकर लोगों को समझाना शुरू किया कि लड़कियों को पढ़ाना मजहब के खिलाफ नहीं है, और तमाम विरोधों के बावजूद अपने इलाके की महिलाओं को साक्षर बनाने के अपने मकसद की ओर फितरत निरंतर कदम बढ़ाती गई। तो जब एक बार कारवां निकल गया है तो भला अब वो रुकने वाला कहाँ। यही है एक पिछड़े इलाके के साक्षरता अभियान में काम करने वाले स्वयं सेवकों की परिस्थितियां। कहीं उन्हें लोगों की उदासीनता झेलनी पड़ती है, तो कहीं उनकी गरीबी, कहीं अंधविश्वास, कहीं रूढ़िवादिता, कहीं सुखाड़, कहीं बाढ़। लेकिन बावजूद इन परिस्थितियों के, हर हालात में डटा रहने वाला स्वयं सेवक ही एक सच्चा अभियानी है, जो आज समाज में ज्ञान विज्ञान की मसाल थाम कर चल रहा है।